अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम से फूड व्लॉग नहीं बनाया यार, और फ्रेंच फ्राइज़ का सोचा था यार, किसी अच्छी जगह के अगर फ्रेंच फ्राइज़ खाने को मिल गए तो उसका फूड व्लॉग ज़रूर बनाना है। आज मैं नाजमाबाद के इलाके के अंदर आया हूँ और यहाँ के बेहतरीन किस्म के मैंने फ़्राइज़ खाए थे कुछ टाइम पहले। एक दोस्त मुझे यहाँ पर लेके आया था और मैं फ्रेंच फ्राइज़ पहले तो देखे मैंने, और देखने में क्या बात थी उसकी, और जब खाए तो VIP किस्म के थे। मैं नाजमाबाद में इस वक्त मौजूद हूँ दिल पसंद के बिल्कुल बैक साइड पे। आप ये देखें, ये फ्रेंच फ्राइज़ वाले भाई हैं और आपको इनके फ्रेंच फ्राइज़ दिखाते हैं और खा के रिव्यू देते हैं कि किस लेवल के फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पे बन रहे हैं। बहुत रश होता है भाई, जिस टाइम पे भी मैं आया हूँ कभी यहाँ पे अपने दोस्त के साथ, असल में मेरे दोस्त जो बासित भाई हैं वो यहीं पे करीब में रहते हैं, और जब जब उनके पास आता हूँ तो अब फिक्स हो गया यहाँ पे ज़रूर आते हैं, हाज़िरी यहाँ पर ज़रूर देते हैं। तो आपको आके दिखाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ का क्या सीन है। ये यहाँ पर भाई आलू कट रहे हैं, और ये आलू जो है वो छीलने के बाद यहाँ पर डाले जा रहे हैं इस टब के अंदर, और इसके बाद ये बच्चा जो है वो यहाँ पर आलू को कट कर रहा है कटर के अंदर। और ये सारे जो है ना, अच्छा ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना, ये मोटी ब्लेड के अंदर काट रहे हैं, थिक हैं फ्रेंच फ्राइज़ इनके ना, मतलब हैवी साइज़ का सीन है पूरा। ये है इनका मेन्यू, ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हॉट आइटम है इनका वो है स्मोकी बारबेक्यू डबल टॉपिंग। ज़्यादातर जो है वो लोग यहाँ पे यही खाते हैं, और ये तकरीबन कोई ये 140 और 190, छोटा वाला 140 का है, बड़ा 190 का है। ये हरी प्याज है भाई, और ये सारे जो है वो इनके डिफरेंट मसाले हैं जो कि ये फ्राइज़ में डालते हैं, और ये फ्राइज़ यहाँ पे जो है वो तैयार हो रहे हैं। अब ये किस तरह जो है वो फ्राइज़ के अंदर मसाला डालते हैं और किस लेवल के फ्राइज़ बनाते हैं आपको दिखाते हैं। भाई ये अपना सेटअप तैयार हो रहा है, बारबेक्यू स्मोकी बारबेक्यू डबल टॉपिंग। ये छोटा वाला कितने का पैकेट? 140 डबल 140 का है, और बड़ा वाला 190 का है। पहले आपने मायो डाला है, फिर ये बारबेक्यू डाला है, और ये हरी प्याज की टॉपिंग है, इसके ऊपर फिर एक और लेयर चिप्स की। ये रेडी हो गए भाई चिप्स। स्मोकी बारबेक्यू जो है वो चिप्स आ गया फाइनली हाथ में, और अब जरा खा के आपको रिव्यू देते हैं। सही टाइम पे आ गया, मतलब मैं 6 बजे, क्योंकि मैंने इससे पूछा था कि यार कितने बजे खुलते हो, तो उसने बोला कि हम लोग असर के बाद जो है वो शॉप खोल लेते हैं। तो अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परफेक्ट है, मतलब जो फ्राइज़ लवर है ना, मैंने देखा है लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं सिर्फ फ्रेंच फ्राइज़ के लिए, कि कहीं अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएं, तो भाई दिस इज़ द राइट प्लेस, आप यहाँ पे आएँ। और फ्रेंच फ्राइज़ वैसे तो काफ़ी सारे लोगों ने खाए होंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं खाए और जो अच्छे फ्राइज़ खाना पसंद करते हैं, यहाँ पे आएँ और लाजमी फ्राइज़ खाएँ, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको फ़्राइज़ कैसे लगे, लेवल के फ्राइज़ हैं। और सारा कमाल सॉसेस का है, जो सॉसेस इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके अंदर जो मायो डला हुआ है, इसके अंदर जो चिली गार्लिक है, इसके अंदर जो बारबेक्यू सॉस है, बहुत फिट किस्म का सॉस डला हुआ है यार, सारा गेम ही सॉस का है इसका। ये जो एक बॉक्स है ना, एक बंदा पूरा कर भी नहीं सकता, यू नीड टू हैव अनदर फ्रेंड विद यू जो आपको कंपनी दे इसको पूरा करने के अंदर।
तो अदनान भाई मेरा साथ देंगे इसको कंप्लीट करने में। जो इसके अंदर हरी प्याज डली हुई है ना, तो मैंने आज तक कभी किसी फ्रेंच फ्राइज के अंदर नहीं देखा कि किसी में हरी प्याज डली होती हो, लेकिन इसका भी एक अपना टेस्ट आ रहा है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मैंने बोला हरी प्याज का क्या ताल्लुक है फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, लेकिन अच्छी लग रही है इसके साथ। तो ओवरऑल फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही आला किस्म के हैं, और मैं तो देखता हूँ जब कभी कहीं पे भी घूमते फिरते कभी कुछ अच्छा खाने को मिल जाता है, तो मैं उस वक्त प्लान बना लेता हूँ कि यार यहाँ पे आके व्लॉग ज़रूर बनाना है और आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करना है। तो मुझे तो यहाँ के फ्राइज़ बहुत अच्छे लगे, अगर इससे ज़्यादा दिखने में भी और टेस्ट के अंदर यमी फ्राइज़ आप लोगों ने कहीं और खाए हैं रेकमेंड करें, कमेंट्स के अंदर मेंशन कीजिएगा, वहाँ पे भी जाके इंशाल्लाह जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर खाएंगे। यहाँ पे जो है ना ये पिज़्ज़ा फ्राइज बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ये एक लेयर डाल दी इन्होंने चिप्स की। ओके और ये क्या है? पिज़्ज़ा सॉस डाल रहे हैं भाई अब ये, और ये क्या है? अब इसके ऊपर एक और टॉपिंग हो रही है भाई क्रीम की, और इसके साथ ही फिर मायोनीज की, और फिर पिज़्ज़ा सॉस की। अब ये चीज़ आ गया, अब ये ओवन में जाने के लिए रेडी हो गया ना बिल्कुल। ऊपर सब्जी डालनी है, सब्जी भी डलेगी इसके ऊपर। अब इसकी साइडें चेंज कर दी हैं ताकि दूसरी तरफ से भी जो है वो चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और ये देख रहे हैं स्टाइल, नीचे दो ईंटें रखी हुई हैं और इसके ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन काम बिल्कुल वीआईपी हो रहा है। अब देखें ये इनोवेशन है, ठीक है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक स्टॉल है इसके अंदर। अब हम लोग भी जो फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल लोगों को दे रहे हैं, तो यही मैसेज साथ साथ देंगे भाई कि इतनी सारी इनोवेशन है, इतने सारे तरीके हैं, आप बस नई से नई इनोवेशन लेके आएँ और अपना रोज़गार कमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये व्लॉग बनाने के बाद भी हम जो है वो 3 स्टॉल फ्रेंच फ्राइज़ के देने के लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह आज रेडी हो गए हैं फ्रेंच फ्राइज़ के स्टॉल। ये देखें भाई पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो गए, और इसके ऊपर भी इन्होंने जो है वो क्रीम डाली है भाई, और फुल जूसी पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी है। होपफुली आप लोगों ने नाज़माबाद के इन फ्रेंच फ्राइज़ वाले भाई की वीडियो को एंजॉय किया होगा, और बहुत ही यमी फ्रेंच फ्राइज़ हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा और ज़रूर रेकमेंड करें। अगर किसी और जगह के ऊपर मुझे आना चाहिए और उसका रिव्यू देना चाहिए तो लाजमी रेकमेंड कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मुस्तफ़ानी 26 के नाम से मुझे फॉलो करें, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। अस्सलामु अलैकुम।